सरदार पटेल और आज का हिंदुस्तान एक मौजूदा सवाल है, उस समय का सवाल है जब पूरे देश में अफरा तफरी मची हो। और कल आचार्य नरेंद्र देव का भी जन्मदिन था, जो भारत के समाजवाद के पुरोधा थे। मैं उनको भी नमन करता हूं जिन्होंने इस देश में समाजवाद को गढ़ा और जिस सगली परंपरा को लेके माननीय नेताजी चल रहे हैं, माननीय अखिलेश जी चल रहे हैं। मैं उन आचार्य नरेंद्र देव को भी नमन करता हूं। सरदार पटेल ने जो इस देश में किया, आज इन किसानों के बीच मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि सरदार पटेल वो शख्सियत थे जिन्होंने ये तय किया था कि देश में 200 ऐसी किसानों की फसलें होंगी जो हम देश में कभी आयातित नहीं करेंगे। हम गेहूं कभी नहीं मंगाएंगे, हम चीनी बाहर से कभी नहीं मंगाएंगे, क्योंकि हमारा किसान जब उपजाएगा तो उसको कौन खरीदेगा। आज देश में क्या हो रहा है, गेहूं हम विदेश का खा रहे हैं, चीनी हम विदेश की खा रहे हैं, और हमारे किसान का हाल। आप याद करिए सरदार पटेल को, जो अभी बात होती बारदोली खेड़ा का आंदोलन, वो किसान नेता थे और किसानों के सच्चे हितैषी थे। उन्होंने वो सारी लड़ाइयां लड़ी। आज जब हम देवारा की इस धरती पे राम सकल सिंह पटेल जो पूर्वांचल के गांधी है, मैं पश्चिम से आया हूं, मैं बागपत का रहने वाला हूं, और चौधरी साहब एक बात कहा करते थे कि किसानों की एक पैर, किसानों का एक पैर खेत में होना चाहिए, दूसरा पैर दिल्ली में होना चाहिए। मैं चौधरी साहब की धरती से आया हूं और सैनुपुर सगड़ी देवारा के क्षेत्र में बहुत बार आया हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ के लोगों से मिलकर कि यहाँ के लोगों में जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो ताकत है, जो विशाल पल्लू किए हैं बहुजन मूवमेंट के परशुराम वर्मा जी ने यहाँ पर इस धरती को सींचा है। आप उस धरती में बैठ के बात कर रहे हैं जो परशुराम वर्मा की बनाई हुई धरती है, जो राम सकल सिंह पटेल जी की बनाई हुई धरती है, जो पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं, कैफी आदमी जी की धरती है, राहुल शंकर कान की धरती है, यह बौद्धिक क्षेत्रों की धरती है आजमगढ़, जिसने भारत का नाम हमेशा ऊंचा किया, समाजवाद को हमेशा आगे लेके चला हुआ ये जिला है आजमगढ़। और उसमें हम बात कर रहे हैं सरदार पटेल पे कि किस तरीके से आज हमारा किसान तबाह है, आज का भारत कहां आ गया है। आप समझिए कि सरदार पटेल की करनी और कतरी में कतई फर्क नहीं होगा। अगर सरदार पटेल उस समय वादा कर लेते कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो आपको लग रहा है कि सरदार पटेल नहीं देते। ये फर्क है सरदार पटेल के भारत में और आज के नेताओं के भारत में। आपको यहां से समझना होगा भारत, जो वादे सरदार पटेल की विरासत को लेकर चलने वाले लोग कर रहे हैं, क्या सरदार पटेल अपने चित्त में ऐसे रहे होंगे कि वो दोहरा चरित्र नहीं रखे होंगे कभी अपने लिए। महात्मा गांधी जिसका गुरु हो, बापू ने जिसको बनाया हो, बापू के सानिध्य में जो पला हो, वो आदमी झूठा फरेबी मक्कार नहीं हो सकता, वो भय भ्रम और झूठ की राजनीति नहीं करता होगा। उसने देश को जोड़ा है, तो इसकी ताकत को जोड़ा है और इसको एक किया है, और भारत के निर्माता थे, सच्चे निर्माता। आज मैं जब देखता हूं अपने बुजुर्गों को, जब उनसे मैं सीखता हूं कि आज का दौर वो दौर आ गया है कि हमारे यहां कहावत थी कि बाबा और पोते का मन एक होता है, लेकिन आज वो दौर है कि पोता और बाबा अलग अलग जा रहे हैं। उनको एक जगह बैठने की जरूरत है। बाबा भी तन्हाई का शिकार हो गया और पोता भी तन्हाई का शिकार हो गया है, और ये हमारी जो पहली पीढ़ी है, यही इस जनरेशन को बचा सकती है, नहीं तो देश गलत में जा रहा है। सारे के सारे बच्चे शराब की तरफ दौड़ रहे हैं, गांजा अफीम बड़े बड़े नशे इनको कराए जा रहे हैं, जिससे कि कल ये सरदार पटेल की तरह कोई आंदोलन खड़ा ना कर दे। उनके मिजाज को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। कैफी आदमी कहते थे, यूं करते हो दूर से तूफान का नजारा, ये तूफान इधर भी है और उधर भी है। धारे में अगर बन जाओगे तो बन जाओ, धारे में अगर मिल जाओगे तो बन जाओगे धारा, ये वक्त का ऐलान इधर भी है और उधर भी है। इस वक्त के ऐलान को समझिए और सरदार पटेल की
बच्ची विरासत को समझिए और नेताओं के दोहरे चरित्र को भी समझिए कि जो वो बात करता है क्या उतना काम करता है कि नहीं करता है। मैं बनारस में रह रहा हूं, इसी दिवाली 15,000 करोड़ का व्यापार हुआ है, लेकिन आप किसान से पूछिए कि उसके घर में फल आए थे, मिठाई आई थी, नहीं आई होगी। सबसे ज्यादा व्यापार सोने का हुआ है, पैसा कहां से आया बताना होगा इस देश को कि वो सोना खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। देश में 568 कारें बिकी हैं, एक एक की कीमत करोड़ों की है, कहां से आई करोड़ करोड़ की संपत्ति, कहां था नोटबंदी के बाद, सारा काला धन वापस आ जाएगा, कहां है वो काला धन, कहां से कहां ये सारी की सारी चीजें, अपने इन नौजवानों को बताइए, इस बेरोजगार पीढ़ी को बताइए जो रोजगार के लिए तरस रही है और समय से शादी नहीं हो रही है, ये समस्या है। हमारे सीमांत गांधी रामशंकर पटेल जी हमेशा गरीबों की शादियां करते हैं, एक साथ सैकड़ों शादियां करते हैं। आज अगर परिवार में आप एक लड़का खोजने जाते हैं तो रोजगार देखते हैं उसके पीछे, उस बेरोजगार को बताइए पैसा कहां जा रहा है, रोजगार कहां जा रहा है, तुम कहां जा रहे हो, रास्ते पे आओ सरदार पटेल के, सरदार पटेल के मिशन को लेकर चलो, सरदार पटेल के जुनून को ताकत को लेकर चलो, तब इस देश का भला हो सकता है, नहीं तो भारत भटक चुका है, आप इसको बचा नहीं पाएंगे। मैं क्योंकि समय की बड़ी पाबंदियां हैं, इसी बात के साथ कि रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती दुनिया को संभालो यारो, और कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाला रहो यारो। जय हिंद, जय भारत।